अपन दे अभी अभी कमाई है तो खाई और वहाँ जाके अपना जो भी और ऑनलाइन हाजिर जैसे आजकल बंद होने चाहिए जिससे भ्रष्टाचार को और भी बढ़ावा मिल रहा है। प्रवासी मजदूरों पर हो रहे अन्याय बंद हो, उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो। हमारे गांव में सही विकास और रोजगार नहीं होने के कारण लाखों की संख्या में हमारे आदिवासी परिवार गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और अन्य दूर दराज क्षेत्र में काम की खोज में भटक रहे हैं। ये प्रवासी नहीं स्थापित मजदूर है जिन्हें गाड़ी में भर भर कर ठेकेदार उन्हें वहाँ ले जाते हैं, उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में रखते हैं। इस वर्ष और भी ज्यादा प्लान होगा। कलेक्टर बड़वानी और श्रम विभाग के यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाहर जाने वाले हर मजदूर का पंजीयन और पंजीयन ठेकेदारी उन्हें ले जाए। और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी मजदूरों का श्रम कानून के अनुसार पूरा भुगतान हो, उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो और उनके साथ हुए किसी भी प्रकार के शोषण पर तुरंत कानून कार्रवाई हो, पैसा कानून का सही क्रियान्वयन हो। पैसा कानून के पारित होने के 27 वर्ष बाद भी अभी उसके नियम बनाए गए हैं और प्रदेश सरकार द्वारा जोर शोर से उसे लागू करने की बात हुई है, परंतु इस कानून को अभी भी ठंडे बस्ते में रखा गया है।